స్తుతి మహిమా ఈశు ప్రభుజీ जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 के पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हो या सच्चाई के तलाश में हो? प्रभु यीशु मसीह आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, से परमेश्वर के बातों को बांटना चाहते हैं। जिन जिनों ने परमेश्वर पर भरोसा किया, जिन जिनों ने प्रभु पर अपना भरोसा रखा, वो कभी लज्जित नहीं हुए। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, आजकल जब भरोसा कहते हैं, इस 21वीं शताब्दी में तो दुनिया ऐसा बन गया, किसी पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। भाई बहन पर भरोसा नहीं कर सकता, बच्चे माता पिता पर भरोसा नहीं कर सकते, पति पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता, पत्नी पति पर भरोसा नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा संकट आ जाता है, व्यक्ति बैठ के सोचने लग जाता है, किस भरोसा करें तो करें, किस पर करें। क्या आप भी ऐसी सोच रहे हैं? आप भी ऐसे संकट से गुजर गए हैं क्या? भरोसा कईयों पे कर गया, भरोसा कईयों पर अपना रखा, लेकिन वो भरोसे टूट गए, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने आखिरी क्षण में धोखा देकर भाग गए। आज पवित्र बाइबल के माध्यम से भरोसेमंद, भरोसे रखने लायक ऐसा एक परमेश्वर का परिचय आपको कराना चाहते हैं। आपके जीवन को ऐसे जगह मोड़ना चाहते हैं, आपके जीवन के नैया को उस पार ले जाना चाहते हैं जहां पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपका भरोसा कहाँ, किस पर है आपका भरोसा, कौन है आपका भरोसा? वचन के द्वारा हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। पवित्र बाइबल भजन संहिता 118 अध्याय का पद 8 और 9 मैं पढ़ना चाहूंगा। इसमें यूं लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। पद 9, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर पढ़े हुए इस आशीष पर बहुतायत की आशीष दे। हमारे भरोसे को निखर करने के लिए, हमारे भरोसे के द्वारा परमेश्वर को पहचानने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। यहाँ भजन संहिता यूं लिखता है,
मनुष्यों पर भरोसा करने से अच्छा, प्रदानों पर भी भरोसा करने से अच्छा परमेश्वर की शरण लेना बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो लिखने की तरीका और सीरीज जो बनाया है, इसको मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। पहले कहा कि मनुष्यों पर भरोसा, उसके बाद कहा कि प्रधानों पर भरोसा। इसका मतलब साधारण व्यक्ति जो मनुष्य होता है उस पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। वह व्यक्ति ऊंचे स्थान पर जाकर प्रधान बन जाए, किसी भी चीज़ का प्रधान, चाहे गाँव का प्रधान, चाहे कई चीज़ का प्रधान, अपने जगह पर ऊंचे स्थिति में जाए तब भी भरोसा हम नहीं कर सकते। अब मनुष्यों पर प्रधानों पर कहा, इसी भजन संहिता के 146 के पद 3 में यूं लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। यहां पहले बोला कि मनुष्यों पर, फिर प्रधानों पर आप भरोसा न करो। जो मनुष्य प्रधान भर गया उसको हमने देख लिया। फिर अभी यहां भजन संहिता कहता है, प्रधानों पर भरोसा ना करो, किसी आदमी पर भरोसा ना करो, क्योंकि उनमें उद्धार करने की कोई ताकत नहीं है। अपने अपने जगह पर कुछ दे सकते हैं, अपने अपने जगह पर अच्छे काम कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, अपने काम को वो निभा सकते हैं, परंतु उद्धार के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, संकट से नहीं, पाप के संकट से छुड़ाने के लिए, अंधकार का मतलब जहां लाइट चला गया, बिजली लाएं, बल्ब डालें या दीपक जलाएं, वह अंधकार नहीं, पाप के अंधकार से छुड़ाने वाले वह परमेश्वर की ओर हमें नजर रखना, उन पर भरोसा करना पड़ेगा। यहां कहता है कोई भी मनुष्य, इस संसार का कोई भी धनी व्यक्ति, इस संसार का कोई भी प्रधान हमें अपने पापों से नहीं छुड़ा सकता है। उन पर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर की शरण जाएं, वो हमें उद्धार दे सकते हैं। आज प्रिय मित्रों, आपका भरोसा कहाँ है? आइए एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, इसी पुराने नियम के, मीका का पुस्तक है जिसका अध्याय 7 है और उसका पद 5 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलना। यहाँ तो पहले बोला मनुष्य पर भरोसा न कर, प्रधानों पर भरोसा न कर, वो तुम्हें उद्धार नहीं दे सकते, उनसे अच्छा तो परमेश्वर के शरण जाना अच्छा है। अब यहाँ कहता है मित्र पर भी भरोसा मत कर, परम मित्र पर भी भरोसा मत कर, इतना तक कि अपने अर्धांगिनी से भी जब बोले तो संभाल कर बोलना। मित्र 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 कहते हैं ना, मुझे याद आता है हमेशा, सब मित्र तो है, उनमें कोई परम मित्र है, परंतु हम आपको बता दें भरोसा करने लायक एक प्राण मित्र है जिन्होंने सूली पर हमारे लिए प्राण दिया। क्या इस मित्र को जानते हो? क्या ये भरोसेमंद मित्र को जानते हो? ये भरोसामंद मित्र वही है प्रभु यीशु मसीह। किसी भी मित्र पर भरोसा न कर, परम मित्र पर भरोसा न कर, यहां तक कि अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से जब बोले तो संभाल कर बोलना। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है। आइए, जब आप ऐसे भरोसा करने लायक इस धरती पे आपको कोई मिला ही नहीं, इस संसार में जिस पर भी भरोसा करो धोखा ही देता है, जिस संसार पे जिस पर आपने भरोसा रखा, जिसको आपने सोचा ये भरोसेमंद है, कुछ दिनों के बाद भरोसा टूट गया, कुछ दिनों के बाद धोखा दे के चला गया। परंतु आज आपको बताना चाहेंगे भरोसेमंद, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, एक और है, दूसरा शमूएल 22:3। भरोसा करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति को हम आपके परिचय कराना चाहते हैं। मेरे चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणगत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यह वह ऊंचा स्थान है, यह वह शरण स्थान है जो मेरा परमेश्वर है। मैं चट्टान स्वरूपी परमेश्वर है, ढाल स्वरूपी परमेश्वर है, उद्धारकर्ता परमेश्वर, इनके शरण जाना अच्छा है। इनके शरण जाने के लिए बुलावा आ रहा है, इनके शरण जाना है, लोगों के शरण नहीं। पद 31 में और आगे लिखा है, ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। आप भरोसा रख किसी के सामने जाके, भरोसा रख किसी के आड़ लेके छुप गए और आप सोच रहे कि वो हमारे ढाल बन गए, प्रियजनों समय आने पर, संकट आने पर वो धोखा दे देंगे, भरोसा रखने लायक कोई है नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर अगर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, समय पर, संकट के समय पर वो सब शरणगतों का ढाल बनता है। ढाल का मतलब जब कोई दुश्मन तीर चलाए, आगे हम ढाल कर देते ताकि तीर
उस इंसान को नहीं, उस शरणागतों को नहीं, ढाल पर लग जाए। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा मित्र होगा जो अपने प्राण को हमारे लिए ढाल बनकर खड़े हो जाए और हमें बचाए। तीर आए तो हमारा मित्र या हमें जो जिस पर हमने भरोसा रखा वो भाग जाएगा या वो हमें आगे कर देगा, वो बच जाएगा। परंतु आज हमारे पास एक ऐसा परम मित्र, प्राण मित्र है, हमें सूली पर चढ़ना चाहिए था, उस तीर के सामने खड़े होकर हमें छेदना चाहिए था, परंतु हमें परे कर हमारे स्थान पर वो खड़ा हो गया, हमारे स्थान को बदलने वाला हमारा परम मित्र, प्राण मित्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते। उन पर हम भरोसा कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, किस पर है आपका भरोसा? प्रिय भाई, प्रिय बहना, किस पर है आपका भरोसा? प्रिय तरुणों, प्रिय जवानों, किस पर है आपका भरोसा? लोगों पर, नौकरी पर, पैसों पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके बिजनेस पर, आपकी ऊंचाई पर, आपके शरीर की पौष्टिकता पर? कहाँ है आपकी भरोसा? आज हम आपको बताना चाहते हैं, भरोसा सिर्फ परमेश्वर में हो सकता है, वही उन्नति पाएगा। आइए एक और वचन हम दिखाएंगे आपको, दूसरे राजाओं का पुस्तक अध्याय 8 और पद 5 में यूं लिखा हुआ है, वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और इसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। यहाँ पर राजा हिजकिया का एक लिखा हुआ है कहानी। राजा हिजकिया अपने जीवन में राजा बनने के बाद, राजा जब वो राजगद्दी पर बैठा हुआ था, उसका भरोसा हम यहाँ देख सकते हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, इसी कारण उसके बारे में ऐसा लिखा है, और उसके बाद परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला इसके राजा के बाद यहूदा के सब राजाओं में से ऐसा कोई उसके बराबर राजा न हुआ और उससे पहले कभी न हुआ। परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखोगे, आप जैसा व्यक्ति इससे पहले कोई था नहीं, अब ना होगा। इतने आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। किस पर भरोसा रखते? राजाओं का भरोसा परमेश्वर पर था। राजा से राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, उस पर भरोसा रखा था। प्रधानों का भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था। हम तो मनुष्यों पर, राजाओं पर, प्रधानों पर, लोगों के नियतों पर, लोगों के पर हम दृष्टि रखकर, अपने भरोसा रखकर हम टूट जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है उन पर भरोसा रखने के लिए। राजाओं का भरोसा रखने लायक राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम नीचे जाते हैं, भजन संहिता अध्याय 9 और हम पढ़ना चाहेंगे पद 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके नाम के जानने वाले, जिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा, परमेश्वर का वचन लिखा है वो उन्हें कभी नहीं त्यागता है। क्या आपको ऐसे लगा कि जिन पर आप भरोसा रखे थे वो बीच में त्याग दिए? मुझे कभी कभी ऐसे लगता है। मैं बचपन से कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ, मेरे कितने तो मित्र बने हैं, कितने तो परम मित्र बने, कितने तो गहरे मित्र बने। बचपन से लेकर अब तक कई मित्र बदलते गए, कई मित्र छूटते गए, कई मित्र निकलते गए, बनते गए, परंतु ऐसा कोई मित्र बना ही नहीं जो मित्र यहाँ कहता है कि अपने खोजियों को कभी नहीं त्यागता। हम मित्रों को खोजते हुए गए, मित्र हमको खोजते हुए आए, हमारी मित्रता बनी रही, परंतु आज प्रिय मित्रों, जिस पर भरोसा करने लायक हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो कभी हमें त्यागता नहीं, ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए, ऐसा मित्र आपको चाहिए, ऐसा परमेश्वर की खोज में आप है, तो आज सुंदर समय है, आज उनके निकट आने का समय है। भजन संहिता लिखने वाला यह राजा, यह दाऊद परमेश्वर के धन्यवाद के साथ उनके पास आकर कहता है, परमेश्वर हमने आप पर भरोसा करा, आपने हमें कभी त्यागा नहीं है। आज वही परमेश्वर आपको भी नहीं त्यागेगा, परंतु आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको उनके नाम को जानना पड़ेगा, उन पर भरोसा करना पड़ेगा। जिन जिन्होंने उन पर भरोसा किया वे कभी लज्जित नहीं हुए। दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय में एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। पद 4 में लिखा हुआ है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। भरोसा किस किस पर करें हम? हमने अब तक देखा, मनुष्य पर भरोसा ना कर, प्रधानों पर भरोसा ना कर, राजाओं पर भरोसा ना कर, अपनी आर्थिक स्थिति पर भरोसा ना कर, अपने पढ़ाई पर भरोसा ना कर,
आपके पास जो है उसको सोचकर आप भरोसा करोगे तो एक दिन धोखा हो जाएगा। जो भी आप रखे हैं उसके पर भरोसा ना करो, रातों रात सब कुछ खत्म हो जाएगा, अचानक ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति को आज देखें हम, कई लोग अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर अपने घरों में, अपने जगह पर, अपने सुरक्षित जगह पर अपने धन को इकट्ठा कर रखे थे, शायद उनका भरोसा उस धन पर होगा। रातों रात ऐसे हुआ, ये 500,000 का नोट ये आर्थिक स्थिति के मामले में हमारे देश में चलना बंद कर दिया गया। अब उनका भरोसा टूट गया, अब क्या करें? इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है धन पर नहीं भरोसा, मन पर नहीं भरोसा, राजाओं पर नहीं भरोसा, आदमी इंसानों पर नहीं, मनुष्यों पर नहीं, भरोसा करना हो तो परमेश्वर पर करो। कहां करें? कुरिन्थियों के पत्र बहुत साफ लिखा हुआ है, यहां लिखता है महिमा के द्वारा, मसीह के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा। आपका परमेश्वर का भरोसा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पास भरोसा लेने के लिए परमेश्वर आपका द्वार खुल रहा है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का भरोसा है? इज ही द ट्रस्ट ऑफ योर लाइफ? डू यू ट्रस्ट इन क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा करते हैं वे अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। प्रिय मित्रों, हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, हम भी इस धरती पर कई लोगों पर भरोसा करके देखा, कई चीजों पर हमने अपना भरोसा टिकाया था, परंतु हम आपको बता दें इसी परमेश्वर के पवित्र बाइबल जीवित वचन के द्वारा जब हम जान गए हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, हमने अपना भरोसा उन पर रखा। हम आपको बता दें जिस चेयर पर हम बैठे हैं, जिस सोफा पर हम बैठते हैं, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, हमको उन पर भरोसा थोड़ा बहुत होता है, इसलिए बैठते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई आपके मित्र या कोई आपके अतिथि जब घर पर आते हैं, टूटा हुआ कुर्सी पर उनको बैठने के लिए बोलिए, वो एक बार निगाह रख कर देखेंगे फिर वो बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे आप बताइए? क्योंकि उस कुर्सी पर उनको भरोसा नहीं है। या फिर थोड़ा बहुत हिलता हो या कभी ऐसा उनको अनुभव हुआ हो गिरने जैसा, उस कुर्सी पर अगर आप हाथ दिखाओ बैठने के लिए वो कतई नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका भरोसा उस कुर्सी से हट गया है। हमारे भरोसा कई चीजों पर था इससे पहले, मेरा भरोसा भी कई चीजों पर था, हम कई चीजों पर भरोसा रखकर उन पर ही अपने निगाह टिकाए थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने हाथों से बनाए हुए, हम अपने मन में बनाए हुए, हम अपने आप को रचित किए हुए कई चीजों पर भरोसा रखकर हम कहते थे कि ये हमारा परमेश्वर है। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पुकार कर कह रहा है, सारे सृष्टि के सृजनहारा परमेश्वर हमसे बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। जिन जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कभी लज्जित नहीं हुए, वो परमेश्वर के साथ ऊंचाई पर उठाए गए, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग की ओर उठाए गए, वो परमेश्वर के साथ युगानुयुग के उस अनंत जीवन की ओर उठाए गए। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी अनंत जीवन मिले? क्या आप चाहते हैं कि आप भी स्वर्ग के राज्य में रहे? आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आप अनंत काल के लिए उनके साथ जीवित रहे? हम आपको बताना चाहते हैं, जिन जिन का भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, जिन जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, जिन जिन्होंने इस संसार में भरोसा रखा, जिन जिन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा रखा, जिन जिन्होंने अपने हाथों से बनाए वस्तुओं पर, अपने ही कृतियों पर भरोसा रखा, वो लज्जित हो गए। प्रियजनों, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा वो कभी लज्जित नहीं हुए। समय आ रहा है, समय बहुत जल्द है, आपको बताना चाहता हूं, टाइम इज वेरी शॉर्ट, समय बहुत कम है। आज, अब, इसी वक्त या बहुत तुरंत प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। उन पर भरोसा रखने का समय खत्म होता जा रहा है, अब वक्त है। अब प्रभु यीशु मसीह ने शायद इस टीवी के माध्यम से आपको एक और मौका दिया है कि आप प्रभु पर भरोसा रखिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर भरोसा आप लेकर आए। अगर आप अब भरोसा रख सकते हैं तो आपका जीवन अनंत काल के लिए आनंद जीवन बन सकता है। क्या आप भरोसा रखना चाहते हैं? क्या आपका भरोसा कृत्रिम विषयों से, कृत्रिम चीजों से, जो आपका भरोसा अपने आप में था उससे निकल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित परमेश्वर पर रखना चाहते हो? तो हम आपको बताना चाहेंगे, यकीन दिलाना चाहेंगे, आपका वह भरोसा कभी लज्जित नहीं होगा, वह अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। ऐसे करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। अगर आप चाहते हैं कि आपके भरोसा को परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, जो अनंत जीवन देने वाला, लज्जित न करने वाले पर आपको रखना है, तो आइए हमारे साथ आंख बंद कर दीजिए, छोटी सी प्रार्थना हम मिलकर करते हैं।
प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आज तक हमारा भरोसा किसी और पर था, हमारी सहायता कीजिए। आज हम अपने भरोसे को जीवित परमेश्वर पर, सृजनहारा पर रखना चाहते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए, हमारी अपने बनाए हुए, हमारे अपने ताकत पर, हमारे अपने कृत्रिम चीजों पर हमने भरोसा रखकर थक गए, मनुष्यों पर, प्रधानों पर, राजाओं पर भरोसा रखकर थक गए तेरे वचन के मुताबिक। आज हमारे भरोसा को परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रखना चाहते हैं, सहायता कर। ऐसा जिन्होंने प्रार्थना किया प्रभु जी, उन पर अनुग्रह कर, उनके भरोसा को तू पक्का कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। भरोसे लायक परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस प्रभु पर हमने भरोसा किया वो हमें कभी लज्जित नहीं किया, आपको वो लज्जित नहीं करेगा। परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहे। अधिक जानकारी के लिए, अधिक भरोसे से आगे बढ़ने के लिए आप इस पते पर लिख सकते हैं, हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 और हर शनिवार रात 9:00 इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।